विधानसभा सोनपुर। बिहार का सोनपुर विधानसभा सीट सारण लोकसभा के तहत आता है। सोनपुर विधानसभा सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में सोनपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट जगदीश शर्मा ने पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1957 के विधानसभा चुनाव में सोनपुर सीट से निर्दलीय के टिकट पर राम विनोद सिंह ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की। 1962 के विधानसभा चुनाव में सीट से सोनपुर में शिववचन सिंह ने जीत हासिल की थी तो 1967 में सोनपुर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट RJS यादव ने जीत हासिल की। 1969 और 1972 में सोनपुर सीट से राम जयपाल सिंह यादव ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी से कैंडिडेट राम सुंदर दास ने जीत हासिल की थी। 1980 में सोनपुर सीट से जनता पार्टी के टिकट पर लालू प्रसाद ने जीत हासिल की थी। वहीं 1985 में सोनपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में लोकदल के टिकट पर लालू प्रसाद ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1990 और 1995 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट राजकुमार राय ने जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट विनय कुमार सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया। 2005 के अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में रामानुज प्रसाद ने विरोधियों को करारी शिकस्त दी। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर विनय कुमार सिंह ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2015 के चुनाव में RJD के टिकट पर रामानुज प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में सोनपुर सीट से RJD के टिकट पर रामानुज प्रसाद ने जीत हासिल की थी। रामानुज प्रसाद ने चुनाव में 86,082 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट विनय कुमार सिंह को 49,686 वोट मिल पाया था। इस तरह से रामानुज प्रसाद ने विनय कुमार सिंह को 36,396 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं नोटा 4,290 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सोनपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट विनय कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। विनय कुमार सिंह ने चुनाव में 64,676 वोट हासिल किया था। वहीं RJD की कैंडिडेट राबड़ी देवी 43,991 वोट हासिल कर पाई थी। इस तरह से JDU कैंडिडेट विनय कुमार सिंह ने RJD की कैंडिडेट राबड़ी देवी को 20,685 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अजय सिंह ने 2,884 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में सोनपुर सीट से RJD कैंडिडेट रामानुज प्रसाद ने जीत हासिल की थी। RJD कैंडिडेट रामानुज प्रसाद ने 44,139 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट विनय कुमार सिंह को 43,026 वोट मिले थे। इस तरह से RJD कैंडिडेट रामानुज प्रसाद ने बीजेपी कैंडिडेट विनय कुमार सिंह को 1,113 वोट से हरा दिया था। वहीं LJP कैंडिडेट अतुल कुमार सिंह ने 4,561 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और NDA के बीच मुकाबला होगा, लेकिन जीत तो उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।